ये है सूरत की ड्रीम सिटी यानी डायमंड सिटी, जहाँ पे कोशिश हो रही है कि मुंबई में जो डायमंड ट्रेड हो रहा है उसको आप यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष भाई, यहाँ पे पहले कचरों के पहाड़ हुआ करते थे, लैंडफिल साइड से ये जगह को पहचानी जाती थी। आज ये जो आप दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तो कहाँ गया वो सारा जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, कूड़े के पहाड़ को शहर से बाहर ले जाया गया और आज ये जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ से आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में लोगों को नई रोजगारी प्राप्त होगी। डायमंड हब देश का आने वाले दिनों में सूरत डायमंड बोर्स में बनेगा और दुनिया भर से लोग जो डायमंड खरीदने आने वाले हैं वो आने वाले दिनों में अब सूरत शहर में आएंगे और उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था यही ड्रीम सिटी में की जा रही है। आज सूरत डायमंड बोर्स रेडी हो चुका है, आने वाले दिनों में यहाँ पे कई होटल्स आ रही है, एग्जीबिशन सेंटर सामने हैं, तो सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे ही सभी व्यापारियों के लिए की जा रही है। इससे मात्र नई रोजगारी मिलेगी इतना ही नहीं, लेकिन सोशल सेक्टर में भी जिन परिवार में मात्र एक बेटा है और वो बेटा आज मुंबई में काम कर रहा है, उनके माता पिता सूरत में रह रहे हैं, तो जब एक ही फैमिली में दो घर चलाने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्च भी उनका कम होगा, बचत ज़्यादा होगी और सूरत को जो मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है, आने वाले दिनों में ट्रेडिंग में भी सूरत दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक अव्वल नंबर पे बना रहेगा। बेसिकली जैसे मोदी जी ने गिफ्ट सिटी बनाई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, वैसी आप एक डायमंड सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने गिफ्ट सिटी भी बनाई और मोदी जी ने ड्रीम सिटी भी बनाई और मोदी जी के विजन से आने वाले दिनों में सूरत में दुनिया भर से लोग डायमंड खरीदने अब सूरत में आएंगे। तो ये बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी ने एक फॉर्मर टीवी एंकर इसुदन गढ़वी को अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो और आपको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। 2012 के चुनाव में कुछ कर ही नहीं रही, आप भी पीछे से कांग्रेस को धक्का लगा रहे हो। वो कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव 2012 में भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से कांग्रेस ने माहौल बनाने का प्रयास किया, 17 में भी कांग्रेस ने अलग अलग प्रकार से माहौल बनाने का माहौल बना ही नहीं रही है। माहौल तो भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है, कांग्रेस तो गुजरात में कुछ कर ही नहीं रही, आपको वॉकओवर दे रही है। यही समझने की जरूरत है, ये एक मिली जुली बातें हैं। कैसे? ये 22 में ये मिली जुले नजरों से कहीं ना कहीं आ रहे हैं और ये वक्त भी 22 में भी कांग्रेस का पतन होगा। गुजरात भारतीय जनता पार्टी, आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, जवाब कांग्रेस का नहीं। आप समझे नहीं, आप है ही नहीं, आपका विषय ही नहीं, विषय चुनाव का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। नहीं, भारत जोड़ो वो गुजरात भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके नेता, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई सालों से काम नहीं किया है उनको। ये बड़ा फनी, पहली बार देख रहा हूँ कि बीजेपी लगे कि नहीं नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी टीम है, बड़ी मजबूत टीम है। कहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2012 और 17 में भी कांग्रेस ने अलग अलग षड्यंत्र के माध्यम से गुजरात के लोगों को रुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 2022 में भी ये लोग अलग अलग नामों से और अलग अलग पार्टी के साथ मिलके प्रयास जरूर से कर रहे हैं, लेकिन 22 के चुनाव में भी वो लोगों को रुझा नहीं पाएंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक साथ में मिलके 2022 के चुनाव का एक ऐतिहासिक नतीजा लाएंगे। तो केजरीवाल को आप ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं देते, वो कहते हैं कि ये जो नोट है उसके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर डाल दो, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं तो इस पे क्या बोलूं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप इस पे क्या बोलना चाह रहे हो। केजरीवाल जी तो कुछ भी बोलते हैं, वो राजनीति के लिए हर राज्य के चुनाव में नए भगवान लाते हैं, उनके पीछे जो ये देश के कई पुरुष के फोटोज बदल जाते हैं। केजरीवाल जी और उनकी कोई बात, कभी कोई एक बात उनकी कोई फर्म बात नहीं होती है, वो चुनाव के माध्यम से और चुनाव खत्म होने के बाद उनकी बातें बदल जाती हैं। इन गुजरात के लोग बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, मैं आपको इसुदन गढ़वी के बारे में पूछ रहा था, जब वो टीवी एंकर थे उन्होंने किया होगा आपका इंटरव्यू, तब क्या सोचते थे, आपको लगा कभी ये पॉलिटिकली टक्कर देंगे हमको? इसुदन गढ़वी एक अच्छे रिपोर्टर थे और मैं आज भी उनको एक अच्छे व्यक्ति मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में आने की लालच में, जल्दी से कुछ बनने की लालच में गलत लोगों को पकड़ लिया है और अब साथ साथ में वो भी उनकी दिशा भटक चुके हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वापस से जल्द से वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यही मान रहा हूँ कि गुजरात के लोग वो विकास की बातों में मानने वाले लोग हैं,
साथ में रह के मेहनत करने वाले लोग हैं, स्वमानी लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग बातें करना, कभी आम आदमी पार्टी सत्यनारायण की कथा नहीं करनी, कभी आम आदमी पार्टी के नेता बोलते मंदिर नहीं जाना। ये कब बोला मंदिर नहीं जाना, ये तो आप ही अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, मैं आप देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के वीडियोस जो वायरल हुए हैं वो वीडियोस देखिए, वो लोग खुद बोले और खुद मान रहे हैं। वीडियोस में बोल रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मेरी बहनों को कथा में नहीं बैठना चाहिए, वहाँ पे शोषण होता है। ये किस प्रकार की बात है, किस प्रकार की गंदी राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात में ऐसे लोगों की कोई स्पेस नहीं है। चलिए हर्षांगी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस जब वी मेट के कार्यक्रम के लिए, काफी चीजें आपने दिखाई। मेरी उम्मीद है कि जब अगली बार आए तो ड्रीम सिटी आपकी रेडी हो जाए और ये जो आप सपना दिखा रहे हैं सूरत के लोगों को, गुजरात के लोगों को, उसको आप पूरा भी कर पाए।